नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे लखनऊ से। पीएम नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ दौरा है, 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ की पीएम नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। 14,000 निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में, एक बहुत ही बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देने वाले हैं। निवेश परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 लाख करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ को देने वाले हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, पीएम नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ दौरा और 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें निवेश परियोजनाओं की आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है, लखनऊ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उमंग हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ले लेंगे उमंग से। उमंग, आज प्रधानमंत्री का लखनऊ दौरा है, 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शामिल होने वाले हैं। आमतौर से आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ। अपने सहयोगी सभी कंट्री से मैं कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पूरा कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम है ये हुआ है। बता दें आपको कि पीएम मोदी जो है वो आज 10 लाख करोड़ की करीब 14,000 परियोजनाओं पर शिलान्यास है वो करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे कार्यक्रम के पीछे अपनी जो मंशा है बिल्कुल स्पष्ट की है कि कहीं ना कहीं प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो प्रदेश सरकार का सपना है वो इस कार्यक्रम के जरिए पूरा किया जा सकता है। और इसके साथ ही जिस तरह से बड़ा निवेश इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, 14,000 परियोजनाओं का जो शिलान्यास है जो शुभारंभ है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आज एक बड़ा दिन है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से, यहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो आईजीपी के बाहर रखे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर देश विदेश के कई जो बड़े मेहमान हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तमाम जो व्यवस्थाएं अंदर सुनिश्चित की गई, इसके साथ ही जो अतिथि आ रहे हैं उन अतिथियों के लिए भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की गई है। एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक के रास्तों में करीब 14 मंच बनाए गए हैं, जहां पर जो कलाकार है वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते हुए तमाम जो चीजें हैं वो अतिथियों के सामने पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को और ऐतिहासिक भव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सभी चीजें हैं उन सभी को सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और करीब 14,000 करोड़ की 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वासियों को देने वाले हैं, कितना उत्साह देखा जा रहा है जनता में? इसमें बिल्कुल साफ तौर से अगर बात करें उत्साह की तो जनता में काफी प्रसन्नता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जो बड़ा कार्यक्रम है वो प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि कार्यक्रम के जरिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो उत्तर प्रदेश का उनका लक्ष्य है वो पूरा होगा, सीएम योगी ने साफ किया है कि करीब 34 लाख जो रोजगार है वो इस कार्यक्रम के बाद सृजित किए जाएंगे। और जिस जो एक बड़ा निवेश आ रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, तमाम जितनी भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है इस निवेश को उन योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही सैकड़ों और ऐसी अन्य योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ है वो इस कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है और सरकार द्वारा चलाई जा रही यहाँ पर जितनी भी योजनाएं उन सभी योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 इस कार्यक्रम का नाम रखा गया, क्योंकि लगातार चौथी बार प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का
जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसमें काफी हद तक उत्साह है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यक्रम के पूरा होने के बाद जो एक बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आएगा और वो आम जनमानस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसको खर्च करेगी। और पीएम योगी ने साफ किया है कि 34 लाख से अधिक रोजगार है उस कार्यक्रम के बाद किए जाएंगे। बिल्कुल उमंग, अगर हम बात करें बीते दिनों में हमने देखा खुद मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की एक एक चीज की जानकारी ली, खुद वो आते थे, दौरे पर रहते थे और देखते थे कि किस प्रकार की तैयारियां होनी है, क्योंकि भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन है, ऐसे में किसी भी प्रकार की चूक यहाँ पर नहीं देखी जा रही थी। मुख्यमंत्री का क्या कहना है, कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री का आगमन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उससे पहले कोई प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की आई है? बिल्कुल साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा था कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चौपर है वहां 10:25 पर संभल पहुंचेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संभल में कार्यक्रम में शामिल होना। उस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी जो है वो सीधे राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। तो पीएम योगी ने कहीं ना कहीं सभी प्रदेशवासियों को इस पूरे कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी है और पीएम योगी ने ग्राउंड पर उतरकर खुद इन सब सभी जितने भी यहाँ पे चीजें हो रही थी उन सभी का जायजा लिया था। कुल मिलाकर तमाम आला अधिकारियों को पीएम ने निर्देश दिए थे कि तमाम जो विद्यार्थी मेहमान आ रहे हैं उसके साथ ही जो तमाम चीजें हो रही है उन सभी चीजों के ऊपर नजर बनाई जाए। उसके साथ ही सीएम योगी ने साफ तौर से कहा था कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें अपने पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, आईटीबी के बाद बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती की गई है, अंदर अन्य जो फोर्स है उनके जवानों की तैनाती की गई है। कुल मिला के तमाम जो चीजें उनको लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है, लगातार लोग जो अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, हर किसी की अंदर एंट्री नहीं हो रही है। अंदर कार्यक्रम में एंट्री के लिए विशेष पास जो है वो आवंटित किए गए हैं, जिन लोगों के पास है सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। उसके बाद भी अंदर जो है उनकी चेकिंग की जा रही है, होम स्क्वाड डॉग स्क्वाड हर किसी की तैनाती लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर की गई है। और खास तौर से साठ जो सजावट है उसका विशेष ध्यान रखा गया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की संस्कृति को इस सजावट के जरिए दर्शाया जाए। तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, विभिन्न विभिन्न जो कलाकार है उनको पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बुलाया गया ताकि जो अतिथि यहाँ पे देश और विदेश से पहुंच रहे उन सभी के स्वागत सत्कार में कहीं से भी कोई कमी न रह जाए। बिल्कुल उमंग, आज के इस कार्यक्रम में कितने लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है? जिसमें तो बिल्कुल अगर साफ तौर से बताऊं तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और जो सर्कुलर आया था उस सर्कुलर के हिसाब से करीब 3,000 से 3,500 जो मेहमान है वीआईपी मेहमान है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ सकते हैं। देश के कोने कोने से जो वीआईपी मेहमान है उनको यहाँ पे बुलाया गया। इसके साथ ही कई ऐसे मेहमान हैं जो विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये जो है पूरा कार्यक्रम होना है। तो कुल मिला के प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चीजें सुनिश्चित कर ली है। जो वीआईपी मेहमान जो आएंगे जो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उनको यहाँ तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इसके साथ ही रास्ते में करीब 14 मंच भी तैयार किए गए हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश की कोने कोने से जो कलाकार है वो बुलाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते हुए तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो करेंगे ताकि जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक भी देखने को मिले। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे उमंग। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, जहाँ आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देने वाले हैं।